नमस्कार न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अर्षी अंसारी आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें राजनीतिक में सीमा हैदर का प्रवेश देश के इस बड़े पार्टी ने दिया ऑफर जी हाँ पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में है जी हाँ चार बच्चों की मां सीमा हैदर जो पाकिस्तान के अवैध रूप से भारत आई है और ग्रेटर नोएडा के रूपुरा गांव में अपने पबजी प्रेमी के साथ रहती है क्या वो आतंकवादी है? क्या वो किसी अलग मकसद से भारत आई है उसने गहन पूछताछ करे वह सचिन को क्यों पसंद करती थी उसे पबजी खेलने का समय कैसे मिला पाकिस्तान ने तो नहीं भेजा उसे क्या सचिन महज एक मोहरा तो नहीं है ऐसी तमाम संदिग्ध चर्चाओं के बाद अब सीमा का राजनीतिक में प्रवेश करने की चर्चा शुरू हो गई है आइए जानते क्या है पूरी खबर जी हाँ अठावले की पार्टी से न्योता दरअसल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर मासूम ने सीमा को अपनी पार्टी में शामिल करने की इच्छा जताई है जी हां आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर उनकी तुलना कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से कर दी है उन्होंने सवाल उठाया है कि सोनिया गांधी इटली से आकर भारत में राजनीतिक कर सकती है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी बन सकती है तो पाकिस्तान की सीमा है दर राजनीति में क्यों नहीं आ सकती इस तरह उन्होंने सीमा को राजनीति में प्रवेश करने पर अपनी सहमति जताई है इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने आगे अगर सीमा हैदर वास्तव में निर्दोष है उनके जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिला है और उन्हें भारतीय नागरिकता दी गई है तो उन्हें रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की उत्तर प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है सीमा हैदर वो चर्चा में है वो अब और अधिक चर्चा में आ गई है अब हर तरफ चर्चा हो रही है कि क्या वास्तव में सीमा राजनीति में प्रवेश कर सकती है जी हाँ सीमा हैदर एक बेहतरीन वक्ता उन्होंने आगे कहा कि सीमा हैदर एक बेहतरीन वक्ता है किशोर महसूस ने यह भी कहा है कि उन्हें राजनीतिक में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए दिलचस्प बात यह है कि किशोर मासूम दयान रहने वाला है ये गांव रबोपुर से नजदीक है इस बीच रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया मोदी के एनडीए गठबंधन में एक पार्टी है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले दूसरी बार केंद्र में मंत्री पद पर हैं ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वास्तव में सीमा है राजनीति में प्रवेश करने वाली है हरियाणा हिंसा में अब तक छह मौत चार जिलों में इंटरनेट बंद कर्फ्यू जारी पोले स्थानीय नागरिक सब तरफ डर का माहौल जी हाँ जहाँ एक तरफ हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद का ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा अब तक छः लोगों की मौत हो चुकी है वही नूह में बीते सोमवार भड़की हिंसा के दो दिन बाद भी आज कर्फ्यू जारी है गुरुग्राम पलवल जिले में तनाव है गुरुग्राम पुलिया ने कहा है कि छोटे छोटे ग्रुप हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं जी हाँ वही तनावपूर्ण हालात की गंभीरता को देखते हुए पाँच अगस्त की आधी रात तक नूह, फरीदाबाद पलवल और गुरुग्राम में मानेसर पटौदी व सोना इलाके के इंटरनेट बंद कर दिया गया है वही नूह में हिंसक झड़प के बाद स्थानीय लोगों को अपने रोजमार्ग के काम करने में परेशानी हो रही है यही एक एक स्थानीय ने बताया है अब यह डर का माहौल बना हुआ है हम सुबह जा रहे थे तो हमें लग रहा था कि कहीं पीछे से कोई आना चाहे जी हाँ हम अपने बच्चों को भी बाहर नहीं भेज रहे हैं मोहल्ले में सब्ज़ी की मंडी भी नहीं लग रही है एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने कहा कहना है मैं सब्जी बेचने का काम करता हूँ लेकिन पिछले दो तीन दिनों से बिक्री प्रभावित है अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो हम जीविकोपार्जन कैसे करेंगे चूंकि कोई नहीं आ रहा है तो हमारी सब्जियां खराब हो रही है हम बहुत परेशान हैं जानकारी दे कि नूह हिंसा तो अब तक 26 एफआईआर दर्ज हुई है और 116 लोगों की गिरफ्तार किया गया है गुरुग्राम में 15 एफआईआर दर्ज की गई है और आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो इससे सटे पलवल जिले में पुलिस ने नौ केस दर्ज किए हैं इसमें छ नामजद हैं जबकि 250 अज्ञात आरोपी हैं जी हाँ इन पर एक समुदाय के धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप है जानकारी दें कि नूह में बीते सोमवार को एक शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ और उसके बाद यहां भयंकर हिंसा शुरू हो गई वहीं नूह के बाद आसपास के इलाकों में भी हिंसा फैल चुकी थी चार जिलों में इंटरनेट बंद किया गया और धारा 144 भी लगाई गई है वहीं पुलिस ने बीते दिन जानकारी दी है कि अभी तक नूह हिंसा को लेकर 41 एफआईआर हो चुकी है जबकि 116 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आओगे आप करूबरू तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क मेरे साथ यानी ऋषि अंसारी के साथ नमस्कार